और हर्षा उपाध्याय को शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। हर्षा, गुड मॉर्निंग, ईटीनो स्वदेश पे आपका स्वागत है। हर्षा, सबसे पहले मैं आपसे कुछ चिंताएं डिस्कस करना चाहूंगा बाजार की। आज सुबह से मार्केट पार्टिसिपेंट से बात कर रहे हैं और दो तीन चीजें बार बार हमारी बातचीत में निकल के आ रही हैं। आप तो इतना बड़ा फंड मैनेज करते हैं, तो आपसे सीधा जानते हैं कि इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं। पहली बात ये निकल के आ रही है कि रशिया ने जो है बेलारूस में न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स स्टेशन कर दिए, वो एक चिंता का विषय है। आज M&M को डाउनग्रेड किया बोफा ने, कहते हुए कि एग्री डिमांड एक इशू हो सकता है क्योंकि वेदर में बड़ी अनसर्टिनिटी हो रही है। इन्फ्लेशन भी हो सकता है इसकी वजह से, फूड इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट, ये चिंताएं। और इवन अब तो खैर बहुत अर्ली डेज, लेकिन कोविड के नंबर्स भी थोड़ा सा बढ़ गए तो लोग इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। आप एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट इन सी चीज़ों को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए इस मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि कोई चिंता के विषय नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। और इसी के कारण पिछले 18 महीने तक ये रेंज बाउंड मार्केट चलते हुए आ रहा है। और जो आपने बताया और उसके अलावा भी कुछ चिंताएं हैं, जैसे कि ग्लोबल ग्रोथ को अगर आप देखते हैं तो अभी भी अनसर्टन है। महंगाई का जो आउटलुक अगर देखते हैं वो भी आज के दिन पे इतना कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। अर्निंग्स रिकवरी का बात करें, जरूर ये डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो एक्सपेक्टेशंस जो पहले था वहां तक पहुंच पा रहा है। तो काफी सारे ऐसे चिंता के विषय हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये बहुत सारे जो विषय हैं हमारे सामने शॉर्ट टर्म में दिख रहे हैं, ये इतने बड़े नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म में भी मार्केट के वैल्यूएशन पे एक तरफ से असर रख सकता है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि काफी कुछ आज के मार्केट के वैल्यूएशंस में डिस्काउंटेड है और बहुत ज्यादा यहां से मंदी नहीं करना चाहिए। बढ़िया, सीधा जवाब दिया आपने। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि वैल्यूएशंस अगर हम देखें लास्ट 15 दिनों में US मार्केट, ग्लोबल मार्केट में थोड़ी स्थिरता आई, कोऑर्डिनेटेड एक्शन, डॉयचे बैंक, आपका वैली बैंक, सिलिकॉन वैली, वो सब संभालने की कोशिश बहुत अच्छी गई रेगुलेटर्स की और बाजार थोड़ा चला, लेकिन इंडियन मार्केट थोड़ा लैग कर रहा है। आप ये वैल्यूएशन डिफरेंशियल की वजह से लैग कर रहा है, ये आपको खत्म होता हुआ नजर आता है? देखिए शॉर्ट टर्म में कैसे मार्केट्स बिहेव करते हैं ये तो बोलना बहुत ही मुश्किल चीज है, प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक तरफ से अगर आप देखेंगे कि 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को अगर देखते हैं तो ये 17.5-18 के आसपास आ गया है, जो हमारे मार्केट का लॉन्ग टर्म एवरेज भी रह चुका है। तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा नहीं बोल सकते, एक तरफ से बोल सकते हैं कि फेयर जोन पे वैल्यूएशन आ चुका है। लेकिन ये भी हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए, अगर आपको इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स या इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स को कंपेयर करते हैं तो इंडिया का जो वैल्यूएशन है अभी भी एक्सपेंसिव है। ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है जितने एक्सपेंसिव था मान लीजिए 3 या 4 महीने पहले, लेकिन जरूर एक्सपेंसिव है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि फॉरेन इंटरेस्ट जो इंडिया में रहेगा वो इतना स्ट्रांग शायद इस दौर में नहीं होगा। लेकिन ये बहुत चिंता की बात नहीं, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के फ्लोज देखते हैं तो वो तो अभी भी बरकरार है। तो उस हिसाब से हमारे यही ओपिनियन है कि मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप कोई यहाँ से 3 या 5 साल का निवेश का होराइजन रखते हैं तो ये अच्छे वैल्यूएशन है, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग शाह, प्रियंका यार, म्यूचुअल फंड्स इस वक्त किस तरह सा व्यू बना रहा है रूरल कंजम्पशन को लेकर, अर्षा समझना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट वीक संजीव पुरी जी का भी बयान आया था कि जो कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन है वो कूल ऑफ होता दिखेगा और जल्दी रूरल डिमांड भी पिकअप होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये बड़ा कंसर्न FMCG स्पेस के नंबर्स पर रहा है। अब आगे Q4 के नंबर्स भी आने हैं, इस स्पेस पर आपका क्या व्यू बनता नजर आ रहा है? प्रियंका, आज के दिन में हमारे पोजीशन तो अंडरवेट पोजीशन है ये सारे कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स पे, लेकिन जरूर हमें भी लगता है कि अगले 2 या 3 क्वार्टर्स में यहाँ पे जो कॉस्ट इन्फ्लेशन के वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी पे एडवर्स इंपैक्ट हुआ है वो शायद कम होते हुए नजर आएगा। और ये भी है कि जो एक तरफ से पेंटअप डिमांड जो था कोविड डिस्ट्रप्शन के बाद, जो फेस्टिव सीजन से पहले पहले तक काफी अच्छा दिखाई दे रहा था, वो अभी थोड़ा नरम हुआ है। इसमें कितना शॉर्ट टर्म साइक्लिकल फैक्टर्स है, कितना स्ट्रक्चरल है बोलना
बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें लगता है कि जरूर प्री इलेक्शन ईयर में रूरल स्पेंड भी गवर्नमेंट की तरफ से काफी ठीक ठाक रहेगा, तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कंजम्पशन पे डिमांड पे कुछ असर पड़ेगा। जरूर ये भी है कि मानसून आज के दिन में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है, लेकिन सब फैक्टर्स को देखते हुए भी हमें लगता है कि यहाँ से 2 या 3 क्वार्टर में यहाँ FMCG और काफी सारे कंजम्पशन ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आज के दिन में हमारा पोजीशन अंडरवेट है, लेकिन हम जरूर इस सेक्टर को एक ध्यान में रखेंगे, और अगर यहाँ से वैल्यूएशन करेक्ट होते हुए नजर आता है तो जरूर ध्यान रखें। मॉर्निंग मानसी देसाई। दे तो हुई FMCG सेक्टर की बात, लेकिन आने वाले दिनों में एक इवेंट जो है वो है अर्निंग्स। अर्निंग्स के लिहाज से आने वाले दिन पर्टिकुलरली किस सेक्टर के लिए अच्छे लगते हैं? क्या आपको लगता है डोमेस्टिक ग्रोथ डिपेंडेंट सेक्टर्स पर नजर होनी चाहिए, और अगर हाँ तो फिर कौन से स्पेसेस हैं जिसे आप वॉचआउट करेंगे? बिल्कुल मानसी, जो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स है वो जरूर ग्लोबल ग्रोथ डिपेंडेंट जो सेक्टर्स है उससे बेहतर करेंगे। जैसे कि बैंकिंग, ऑटो, सीमेंट और कभी कई सारे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स जो हैं जो डोमेस्टिक डिमांड पे डिपेंडेंट है, और जहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन का एक तरफ से जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो भी कम होते हुए नजर आएगा। ये सभी क्षेत्रों में हमें लगता है कि अर्निंग जो मोमेंटम रहेगा वो ग्लोबल डिपेंडेंट सेक्टर से बेटर रहेगा, और हमें लगता है कि यही सेक्टर्स पे आउट परफॉर्मेंस भी शायद आपको देखने मिले। हर्षा, आपका अर्निंग्स मोमेंटम पे क्या व्यू बन रहा है? और जो अभी कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स हैं वो आगे आने वाले, हालांकि टेम्प्रेरी भले ही हो, 3-4 महीने का थोड़ा रिलेटिव स्लो डाउन, क्या ये रिक्वायरमेंट है कि थोड़ी अर्निंग्स को स्केल बैक किया जाए? वैल्यूशन तभी एडजस्ट हो पाएंगे, या अभी भी स्ट्रीट पकड़ के चल रहा है पहले जैसी अर्निंग्स ग्रोथ ही? देखिए, आज के दिन में भी अगर फाइनेंशियल ईयर 24 या फाइनेंशियल ईयर 25 को देखते हैं कि 16-17% का अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बरकरार है, लेकिन हमें लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि 16 आ गया या 17% का अर्निंग्स ग्रोथ आया। आज के दिन में लोअर डबल डिजिट के हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ चल रहा है। अगर आप पिछले 3 क्वार्टर्स को देखते हैं तो अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट दिखता है, हमारे हिसाब से लगता है कि फिर मार्केट में एक तरफ से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आगे जाके जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर्स में और भी कॉस्ट इन्फ्लेशन मॉडरेशन का बेनिफिट मिलेगा और 16-17% हम जा सकते हैं। लेकिन अगर यही लेवल पे यानी कि 10 से 12% का ग्रोथ पे अगर हम रुक जाते हैं तो एक तरफ से जब तक वो विजिबिलिटी नहीं मिलेगा तब तक शायद मार्केट और रेंज बाउंड रह सकता है। ऑल इन ऑल नीचे का बहुत ज्यादा वैल्यूएशन रिस्क भी हमें नहीं लग रहा है, लेकिन जरूर ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम करेक्शन और कंटिन्यू। अगर थोड़ा टाइम और करेक्शन कंटिन्यू होती है, एक एवरेज क्या एक व्यू बनाना इस वक्त चाहिए कि कितने और क्वार्टर्स का पेन इंडियन मार्केट्स देख सकती हैं? क्या हम सेकेंड हाफ में बेटर पोजिशन होंगे? प्रियंका, देखिए, जो 18 महीने में जो एक तरफ से कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट, ये एक तरफ से एक लंबी अवधि का कंसोलिडेशन है, और यहाँ से बहुत ज्यादा टाइम करेक्शन या वैल्यू करेक्शन का एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन हो सकता है, मार्केट्स आर ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। उसके लिए एक जरूर एक ऑप्शन ओपन रखना चाहिए, हो सकता है करके, लेकिन ये भी नहीं है कि वो बेस केस अजम्पशन होना चाहिए। बेस केस तो यही है कि ये वैल्यूएशन पे अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं और 3 से 5 साल का आउटलुक रखते हैं तो उनके लिए तो एक अच्छा वैल्यूएशन जोन आ चुका है। ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस पर आपका आउटलुक क्या होगा? क्योंकि बैंक्स के हालात बिगड़े, उसे मैनेज भी किया गया, डैमेज कंट्रोल भी होता दिखा। वहां पर जो स्थिति नजर आई, उसका असर भारतीय बाजार के बैंक्स फाइनेंशियल्स पर तो नहीं पड़ेगा, राइट? बिल्कुल नहीं मानसी, क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जो प्रॉब्लम्स उस बैंकिंग सिचुएशन में हमें देखने को मिला है वो हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से हो ही नहीं सकता है। और जो भी हमने देखने को मिला है सिलिकॉन वैली बैंक और एक दो जो और छोटे रीजनल बैंक जो अमेरिका के हैं, तो वो अमेरिका में ही ज्यादा तक इम्पोर्टेंट या क्रिटिकल बोल नहीं सकते, तो उनका इम्पैक्ट उनके इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा ग्लोबल लिंकेज होगा और हमारे बैंक्स पे असर पड़ेगा। ये जरूर हो सकता है कि सेंटिमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन
लेकिन अगर आप अर्निंग्स को देखते हैं या असेट क्वालिटी इश्यूज को देखते हैं या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखते हैं, तो हमारे हिसाब से इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है और यहाँ से क्रेडिट ग्रोथ भी काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उस हिसाब से एक अच्छा सेक्टर है जो आज का जो नेगेटिव सेंटिमेंट के दौरान में पार्टिसिपेट नहीं किया मार्केट में अपसाइड में, और वैल्यूएशन भी एक तरफ से रीजनेबल हो चुके हैं, यहाँ पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। हर्षा बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। हर्षा उपाध्याय बाजार के बारे में बात कर रहे थे, थैंक यू, CIO कोटक AMC के। लेकिन आगे